press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों. मेरे मकर राशि वाले मित्र अपना मई 2018 का मासिक राशिफल जानने के लिए व्याकुल होंगे. तो चलिए मित्रों, मैं आपको बताता हूँ मकर राशि का मई 2018 का मासिक राशिफल. चलिए शुरू करते हैं. ये महीना आपके लिए मिश्रित फलयुक्त रहेगा. अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी. लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं. विरोधी पक्ष आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करेगा. सावधानी पूर्वक कार्य करें. निजी संबंधों के लिए महीना थोड़ा कठिन है. प्रेम संबंध में कोई अवरोध आ सकता है. विवाह संबंधी बातों में दिक्कतें आएंगी. शंकाओं को स्थान न दें, अन्यथा कष्ट पाएंगे. यदि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता लेनी पड़े तो सोच समझकर निर्णय लें. समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है, यद्यपि विजय आपकी ही होगी. आजीविका के क्षेत्रों में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, संशोधन करना पड़ेगा. लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. किसी यात्रा में कष्ट हो सकता है. किसी मामले में विवाद बढ़ेगा. आप खुलकर कार्यवाही करेंगे. समय थोड़ा सा साथ भी देगा, परंतु बिना ढाल के युद्ध करने में हार ही होती है. ग्रह कला बढ़ सकती है. किसी मामले में आपको प्रशंसा मिलेगी. कामकाज में सुधार की आवश्यकता पड़ रही है. बड़े समारोह में भाग लेने का मौका मिल सकता है. इस महीने की सबसे विशेष बात यह है कि आपको अपनी प्रतिभा के दर्शन का मौका मिलेगा. राशि से 12वें वक्री शनि कार्यशैली में सुधार चाहते हैं. पिछली गलतियों का पछतावा रहेगा, परंतु क्या करें और क्या ना करें इसकी दुविधा भी रहेगी. कोई एक महत्वपूर्ण संबंध पूरी तरह समाप्त हो सकता है. षड्यंत्रों से सावधान रहें. इस समय व्यापारी व्यवसायी से लेकर धनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध तक मजबूत होंगे. ठीक उसी समय भविष्य की दीर्घकालीन और लंबी चौड़ी योजना बनाने के काम में जुट जाएंगे. इस समय आपके लिए आपका परिवार, घर व जायदाद महत्वपूर्ण होगा. आप इसे अपने व्यक्तित्व और खूबसूरती व टिकाऊपन के लिहाज से सुधारने, बदलने, फिर से बनाने के फेर में रहेंगे. इस समय आप काम और सुख, घर और काम के बीच में अच्छा संतुलन बनाएंगे. साझेदारियां, सहभागिता व कानूनी दस्तावेजों के संबंध में नई प्रगति होगी. यह समय आपके आगे बढ़ते जाने का दौर है. प्रगति विचारों और प्रेरणा के संदर्भों में आपको उनके भावनात्मक और वित्तीय समर्थन की जरूरत होगी. इसकी वजह से आप जीवन साथी व स्वास्थ्य की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे. आपको अपने या करीबी लोगों के उद्यमों और परियोजनाओं के लिए फंड की जरूरत होगी. घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो सकती है. वहीं तीर्थयात्रा आदि से संबंधित कार्यक्रम भी बन सकते हैं. घर में नवीन वस्तुओं के क्रय की योजना भी बन सकती है. वाहन तथा सुख उपभोग से संबंधित वस्तुओं के क्रय के योग बन रहे हैं. इस कारण आपके खर्चों की अधिकता रह सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है. भूमि भवन आदि से संबंधित विवाद भी हो सकते हैं. इन दिनों आकस्मिक खर्चों में वृद्धि के योग बन रहे हैं. विद्यार्थियों के लिए समय सुख फलदायक बन रहा है. अध्ययन सुचारू रूप से जारी रहेगा. व्यवसाय संबंधी मामले पूर्ववत होंगे. तो मित्रों, इन सब बातों का आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है? तो हम आपको बताते हैं कि इन सब बातों का आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पे क्या असर पड़ता है. तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे मकर राशि वाले मित्रों के स्वास्थ्य के बारे में. स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है. अचानक बीमार होने की संभावना बन रही है, अतः अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें. मित्रों, अब बात करते हैं आपके धन संपत्ति की. आर्थिक मामले में चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा. नवीन स्रोतों से लाभ मिलेगा. मकान या वाहन खरीदने की योजना पर विचार होगा. मित्रों, अब बात करते हैं आपके कार्य व्यवसाय की. इस समय कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन न करें. सोच विचार कर कोई बड़ा निर्णय लें. नौकरी में स्थानांतरण होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं. अपने से बड़े अधिकारियों के साथ अच्छा संबंध बनाकर रखें. मित्रों, अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की. प्रेम संबंधों में एकाएक तनाव बढ़ सकता है. बुद्धिमत्ता पूर्वक समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करें. मित्रों, अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की. दाम्पत्य सुख में कमी का आवास होगा, क्योंकि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश आप कर सकते हैं. तर्क वितर्क से बचें. मित्रों, अब हम आपको बताते हैं एक सुनहरा उपाय
जिसे करने से आप इस महीने समस्त ग्रह दोषों को शांत करके आसानी से धनार्जन कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। तो वो उपाय करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे चौमुखी दीपक जलाएं, तिल, उड़द, सरसों का तेल, काला कपड़ा, दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान करें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आप हमें संडे के लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहिए मोटू लाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।